की धरती, धर्म और संस्कृति की, बंगाल की इस धरती को, नवद्वीप की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां के कण कण में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति की धारा आज भी बह रही है और वही धारा जय श्री राम के साथ अयोध्या में भी देखने को मिलती है। वही धारा है जो मथुरा और वृंदावन में राधा कृष्ण के नाम पर दिखाई देती है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र को वैष्णव धारा के साथ जोड़ करके यहां पर सनातन धर्म की स्थापना और उसकी पुनर्स्थापना के लिए जो योगदान दिया, आज भी हर श्रद्धालु उस महामानव के प्रति उसी श्रद्धा भाव के साथ यहां पर श्रद्धा व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती वैसे भी राष्ट्रवाद की धरती है। यहां पर रामकृष्ण परमहंस की साधना है तो स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व का उद्घोष भी बंगाल की धरती से पूरे देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई दिया। जब स्वामी विवेकानंद हम सबको इस बात का आह्वान करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भाइयों बहनों वैसे भी नवद्वीप के धरती ज्ञान और अध्यात्म की धरती के रूप में दुनिया के अंदर विख्यात है। अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली भारत की ज्ञान और अध्यात्म की परंपरा को आम जन तक पहुंचाने वाली यह धरती, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके कारण यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं।